जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीनस में। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने भी यहाँ पर रेलवे का फॉर्म अप्लाई किया है और आपका भी दोस्तों यहाँ पर एग्जाम है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को एग्जाम से पहले देख लिया तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो एग्जाम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे के टॉप 30% जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो भी दोस्तों एग्जाम होगा उसमें से दोस्तों यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में टीबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टांगों में। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर में टीबिया हड्डी दोस्तों टांगों में पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पता था तो दोस्तों आप यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर सारे प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों यहाँ से मैंने साइंस से क्वेश्चन भी लिए हैं दोस्तों, संविधान से क्वेश्चन भी लिए हैं, और दोस्तों यहाँ से यहाँ के आपके भूगोल से भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। तो भाई वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पर होती है 46। दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑप्शन पर इसलिए हाइड किया हुआ है कि दोस्तों यहाँ पर आपको पहले से ही दोस्तों पता हो चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इसका राइट आंसर ये है तो दोस्तों आप यहाँ पर कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होते हैं जिससे दोस्तों आप इन क्वेश्चन को यहाँ से भूल भी सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 46, यानी कि 23 जोड़ी। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में ब्लड बैंक कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर में ब्लड बैंक कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर है पीहलिया में। जी हाँ दोस्तों, पीहलिया में मानव शरीर में ब्लड बैंक पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। और फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसुलिन की कमी से दोस्तों होता है यहाँ पर डायबिटीज। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज दोस्तों इंसुलिन की कमी से ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चले लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश ने। जी हाँ दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश ने दोस्तों हाइड्रोजन की खोज की थी। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है? तो दोस्तों यह है ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन, यानी कि O2। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो दोस्तों ये है नाभिकीय विखंडन पर। जी हाँ दोस्तों, नाभिकीय विखंडन पर दोस्तों परमाणु बम आधारित है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, ये आपसे पॉलिटी से है दोस्तों, तो इसको यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो दोस्तों ये है प्राकलन समिति। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम का संबंध किस अनुच्छेद में है? जी दोस्तों, बाल श्रम निषेध दोस्तों आप सभी जानते हैं, यह अनुच्छेद 24 में, यानी कि 24 में दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों हमारे यहाँ पर, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में। जी दोस्तों, लोकसभा में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
दोस्तों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। जी हाँ दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर दोस्तों देश में पंचायती राज लागू किया गया था। तो दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था? दोस्तों वो था यहाँ पर राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज दोस्तों शुरू किया गया था। अब दोस्तों बात हुई राजस्थान की, तो राजस्थान से समझ लीजिए दोस्तों, राजस्थान के दोस्तों यहाँ पर राजधानी क्या है? दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जी दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और दोस्तों राजस्थान के एक शहर है जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, उसको दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे दोस्तों पिंक सिटी कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है? जी हाँ दोस्तों बताइए, ये पॉलिटिकल है दोस्तों क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है? तो फ्रेंड्स इसके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। जी हाँ दोस्तों, जो आपके यहाँ पर फंडामेंट होते हैं दोस्तों, इसके तहत दोस्तों आपको 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उनको दोस्तों यहाँ पर मूल अधिकार अनिवार्य है। दोस्तों मूल अधिकार 12 से 35 तक दिए हुए हैं, आप सभी जानते हैं दोस्तों 12 से 35 तक के यहाँ पर मूल अधिकार हुए हैं हमारे संविधान में। और दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे मूल अधिकार दोस्तों पहले 7 थे, लेकिन दोस्तों अब वर्तमान में हमारे जो मूल अधिकार हैं दोस्तों वो 6 हैं। जी हाँ दोस्तों, अब और मूल अधिकार दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार दोस्तों लिए गए हैं आपके अमेरिका से। जी हाँ दोस्तों, USA के संविधान से दोस्तों मूल अधिकार लिए गए हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सोलह है दोस्तों, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया? जी दोस्तों बताना है आपको कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया। तो दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 0। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक बार भी नहीं। जी दोस्तों अभी तक दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी दोस्तों लागू नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको बताना है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है मेघालय में। जी दोस्तों आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मनाया जाता है 27 सितंबर को। जी दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो दोस्तों ये है हिमेश। जी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों हिमेश। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये हुआ 1986 में, 1986 में दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों आपको बताना है महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ पर की थी? तो दोस्तों ये की थी पावापुरी में। जी दोस्तों पावापुरी में दोस्तों महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की गई है? तो दोस्तों ये है यजुर्वेद। जी दोस्तों यजुर्वेद दोस्तों इसकी रचना गद्य और पद दोनों में की गई है। दोस्तों चार वेद होते हैं आपके सामने, चारों वेद दोस्तों यहाँ पर लिखे गए हैं, और सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। जी दोस्तों सबसे प्राचीन जो वेद है वो है ऋग्वेद, इसमें दोस्तों 10 मंडल हैं। जी दोस्तों इसमें 10 मंडल हैं और 1028 इसमें दोस्तों श्लोक हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये थे राजेंद्र प्रसाद। जी दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे भारत के सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रपति थे, तो ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया? गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? तो दोस्तों यह है समुद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन भी दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, पहला समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा? पहला समुद्री संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा तो दोस्तों यह है लोथल। जी दोस्तों लोथल आप सभी जानते हैं दोस्तों ये गुजरात में है, और दोस्तों ये गुजरात में दोस्तों एक बंदरगाह भी था। जी दोस्तों
आप सभी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उस समय दोस्तों ये बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, कोलार स्वर्ण खदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है कोलार स्वर्ण खदान कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है कर्नाटक में। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में दोस्तों कोलार स्वर्ण खदान स्थित है। और कर्नाटक की दोस्तों यहाँ पर राजधानी क्या है? बेंगलुरु। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, यूपी का फिरोजाबाद है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, कांच की चूड़ियों के लिए दोस्तों फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में पहला हेल्थ एटीएम कहाँ लॉन्च किया? दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ करंट के क्वेश्चन भी यहाँ पर जोड़ दिए हैं, ताकि दोस्तों आपके यहाँ से कुछ क्वेश्चन भी करंट के पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। दोस्तों हाल ही में पहला हेल्थ एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है यूपी की राजधानी लखनऊ में। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 यानी कि 29 है, हाल ही में इंडिया जापान 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों ये किया गया है देश की राजधानी दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में दोस्तों हाल ही में इंडिया जापान 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपना आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ पर दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में केयर ऑफ यू ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया? जी दोस्तों, हाल ही में केयर ऑफ यू ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो दोस्तों ये किया गया आईआईटी खड़गपुर द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जो आईआईटी खड़गपुर है उसके द्वारा दोस्तों केयर फॉर यू ऐप डेवलप किया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ करंट दोस्तों आपके जो रेलवे में दोस्तों बार बार जो टॉप 30 दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन दोस्तों आसानी से समझ में आ गएंगे। और दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन से संबंधित दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताए हैं, जिन्हें दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दोस्तों कुछ समय पूछ लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो भाई आपके ये टॉप 30 क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो गए होंगे और आप इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को अगर पूरा ध्यान रखना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो को आप दोबारा भी देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपका यहाँ से जो क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए ये जो क्वेश्चन मैं दोस्तों यहाँ से लिए हुए हैं ये बार बार दोस्तों रेलवे में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आपका रेलवे का एग्जाम है तो भाई इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों रेलवे ने दोस्तों ये साफ कह दिया है कि दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है दोस्तों वो पिछले यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हुए हैं दोस्तों उसमें से आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो आपका एग्जाम हुआ था रेलवे जेई का, उसमें दोस्तों जो टॉप 30% थे दोस्तों इनमें से ही दोस्तों पूछे गए थे, ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों इसमें से ही दोस्तों पूछे गए थे। तो भाई आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल रट डालिए, ताकि दोस्तों आप वहाँ पर बिल्कुल भी ना भूल सकें। लगभग दोस्तों इसमें से 10 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 10 से 5 क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में आपको इस वीडियो से ही मिल जाएंगे। तो भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, ताकि दोस्तों उनको भी पता चल सके कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और इस प्रकार से दोस्तों आपके क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।